आज देव और राधिका दोनों की भक्ति की, विश्वास की और प्यार की जीत हो गई और सबकी परीक्षा हो गई। मां, आपको तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। सुखी रहो बेटा। मैं बता नहीं सकता हूं बेटा, मैं कितना प्रसन्न हूं। रजू, क्या बच्चों की तरह रो रहा है? देख, मैं ठीक ठाक वापस आ गया। बाबूजी, ये सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद के कारण हुआ है। नहीं बेटा, ये तो आपका राधिका के प्रति प्रेम, साहस और विश्वास है जिसने आपको अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया। देखिएगा बाबूजी, अब आने वाला हर दिन यही पैगाम लेकर आएगा कि राधिका धीरे धीरे बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। उसका हर जख्म, हर दर्द, उसकी हर तकलीफ सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आपके विश्वास की विजय होगी बेटा। भैया, अब हमें चलना चाहिए, घर पर सब लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे। चलिए बाबूजी, हम आपको छोड़ते हुए निकल जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी चिंता ना करो, आप शीघ्र घर पहुंचे, घर के सारे लोग आपका कुशल क्षेम जानने के लिए व्याकुल होंगे। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो, सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। क्या होगा, दिल्ली जाने वाली आखिरी बस तो छूट गई होगी। अब देर रात तक मैं वृंदावन में तो नहीं रह सकती। हाँ, किसी गाड़ी से लिफ्ट ले लेनी चाहिए मुझे। अभी देर रात में पुरोहित सदन पहुंच पाऊंगी। बस अब सब ठीक होगा। भगवान ने मेरा प्यार तो मुझे दे ही दिया था, अब उस प्यार पर पड़ा हुआ बुरा साया भी हमेशा के लिए हट जाएगा। अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं सताएगा राधिका, कोई दुख नहीं सताएगा। जाएगी, हमने तेरे लिए कछु सोच के रखो है। अब क्या सोचा है आपने? तो को बतावे की जरूरत ना है। चल कहाँ? मेरे साथ चल। कहाँ ना तो से चल। घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, सब जगह फूल और दिए होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल दिवाली लगनी चाहिए आज। क्या बात भैया, ऐसी तैयारी हो रही है जैसे देव बाबू कुरुक्षेत्र से धर्म युद्ध जीत कर आ रहे। सुशील, मेरे देव को नई जिंदगी मिली है, इसीलिए आज मैं इतनी तैयारी करूंगी कि उसके जन्म पे भी नहीं हुई थी। आओ ले, ला ला कर रख दो। माँ जी, देव को जो दान करना है वो थाल सजा कर मंगवा दिया है। Thank you.
आता ही होगा ना देव? हाँ, हम यहाँ तैयारियां कर रहे, ऊपर कमरे में राधिका भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही होगी। आज आपकी राधिका एक दुल्हन बनकर आपका इंतजार करेगी। संसार में शायद ही ऐसा कोई पति होगा जिसने अपनी पत्नी के लिए इतनी कठोर प्रतिज्ञा ली। आज आपने साबित कर लिया है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आज मैं आपको एक दुल्हन के रूप में दिखूंगी, एक बीमार के रूप में नहीं। ये कहने मुझे चुपेंगे नहीं, क्योंकि इनमें मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। हम बताए रही थी ना, ई मोर पोती है, मोको इका गर्भ खाली कराएगा है। आ बेटा, अंदर आ। नहीं, मुझे अंदर नहीं आना। अम्मा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। मोको ई पाप की गठरिया से छुटकारा पानो है। आज तोरी एक ना सुननी है। चल बेटा अंदर चल। नहीं नहीं अम्मा, मुझे नहीं जाना। चल कहता ना, चल आ जाए। अम्मा क्या कर रही है आप लोग? कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। देखन दो ना उनको, क्या कर क्या रही है आप? राधिका, राधिका।
है देव? एक मिनट छोटी बहू, देव की आरती करो। लेकिन दादी माँ, देव की आरती तो मम्मी जी को करनी चाहिए ना? रहने दो बड़ी बहू, राधिका को करने दो आरती। उसका हक देव पर हमसे कहीं ज्यादा है। यह हक की बात नहीं है बहू। ऐसा माना जाता है कि प्राणों को बचाने की शक्ति सिंदूर में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आरती छोटी बहू करेगी। लो बेटा। ठीक ठाक वापस आ गया हूँ ना? ठीक ठाक वापस आ गया हूँ? तू इतना स्वार्थी कब से हो गया रे? ये भी नहीं सोचा कि तू चला जाएगा तो माँ का क्या होगा? 9 महीने अपने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए कि किसी के लिए भी तू अपनी जान जोखिम में डाल दे? माँ, मैं किसी के लिए भी नहीं गया था, मैं अपनी पत्नी के लिए गया था, इस घर की छोटी बहू के लिए गया था। देव ठीक कह रहा है बहू, तुम्हें तो अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। उसने इतनी कठिन प्रतिज्ञा ली और उसे पूरा भी किया। तू जानता है देव, राधिका की हालत में भी काफी सुधार आया है। अच्छा चलो, अब दोनों ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लो। कुछ नहीं देखा। छोटी बहू, चलो चलो अंदर। हम भी चलते हैं। बिरजू, हाँ, मेरा एक काम करेगा? कर लेंगे। अच्छा, राधिका को कैसे भी छत पर लेके जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। बढ़िया है। बहन जी, बहुत मुश्किल है। मतलब क्या भयो है? अगर बच्चा गिराया तो छोरी की जान जा सके। अब बोलो क्या करना।
जानती हो ये आसमान मुझसे चलता है। क्यों? क्योंकि उससे कई ज्यादा खूबसूरत चांद तो मेरे पास है और वो चांद वो तो शर्म के मारे बादलों में छुप रहा है। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। पर तुम्हें देखने के बाद उसका घमंड चूर चूर हो गया है। अरे ये क्या, इन खूबसूरत आंखों में आंसू क्यों? जब खुशी ज्यादा होती है तो दिल में समा नहीं पाती, इसलिए आंखों में आंसू बनकर छलक जाती है। तो अपनी खुशियों से कहो कि आंखों के बजाय मुस्कुराहट बनकर होठों से छलके। मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। अगर मेरे दर्द को मिटाने की कीमत आपकी जान है तो मुझे ये दर्द कभी नहीं मिटाना। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, सिर्फ आपका साथ। अगर अब आप मुझे छोड़कर गए तो मैं मर जाऊं। राधिका, उस जिंदगी की बात करो जो अब हम साथ जीने वाले हैं। उस प्यार की बात करो जो अब दिन ब दिन दुगना होते जाएगा। उन खुशियों की बात करो जो अब हर दिन बढ़ने वाली है। आओ मेरे साथ। मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? ये तक्षक राज की प्रतिमा का धागा है। उनके आशीर्वाद से तुम अगले पूर्ण चंद्र ग्रहण तक पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अपना धर्म निभाया है, अब मुझे मेरा धर्म निभाना है। एक पत्नी का धर्म, एक बहू का धर्म। मुझे अब घर की जिम्मेदारियां उठानी है। अभी नहीं राधिका, अब तुम कुछ दिनों तक सिर्फ आराम करोगी। पर राधिका, पति की बात मानना भी पत्नी का धर्म ही होता है ना। और अब कोई और बात नहीं होगी। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा।